कांग्रेस पार्टी के नवगठित संगठन पूरी तरह से एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में लाने के लिए पुरजोर प्रयास करेगा और प्रदेश भाजपा सरकार की नाकामियों को जनता को अवगत करवाएगा, क्योंकि प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर 2022 में अपना मिशन मानकर उसे पूरा करेगी। ये जानकारी कांग्रेस की जिला अध्यक्ष अंजना धीमान ने बिलासपुर में आयोजित कांग्रेस पार्टी के जिला संगठन की बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। अंजना धीमान ने बताया कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जिला अध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वे भी अपना फर्ज पूरी तरह से निर्वहन करेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने महिला सशक्तिकरण पर पूरा जोर दिया है और उसी का परिणाम है कि उन्हें आज जिला का अध्यक्ष बनाया गया है और वे पार्टी की आकांक्षा के ऊपर खरी उतरेंगी। उन्होंने कहा कि जो भी कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है उसमें सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया है और आज सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर रणनीति तय की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार कोरोना महामारी के काल में पूरी तरह से विफल रही है। बेरोजगार परेशान है, दुकानदार परेशान है, स्थानीय लोग परेशान है, लेकिन बीजेपी सरकार अपने कार्य में मस्त है। उन्हें जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और इसके लिए वे जीत और मेहनत करेंगी। वहीं उन्होंने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि बढ़ रही महंगाई को जल्द से जल्द काबू किया जाए ताकि आमजन महंगाई से परेशान न हो सके। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हमारी जिला कांग्रेस नव नियुक्त कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हमारी टीम बनी, हमारी सभी जिला की कार्यकारिणी की आज हमने एक मीटिंग ली और उसमें हमारे ऑलमोस्ट सभी पदाधिकारी जो है इसमें शामिल हुए। इसमें हमने आज एक परिचय मीटिंग रखी हुई थी और आगामी क्या रणनीति हो सकती है उसके बारे में चर्चा की। हमारे सभी पदाधिकारियों ने, ब्लॉक के प्रधानों ने, अपने अपने सभी ने यहाँ पे विचार रखे और बहुत अच्छे विचार रखे। और मुझे एक बात की खुशी हो रही है कि जितनी भी हमारी कार्यकारिणी बनी है, जितने भी पदाधिकारी बने हैं, बहुत खुश हैं। सारे पदाधिकारी इतने खुश हैं और सभी लोग ये बोल रहे हैं कि प्रधान अध्यक्ष महोदय जी, आपने ऐसी कार्यकारिणी बनाई है, बैलेंस रख के कार्यकारिणी बनाई है, उसमें हरेक वर्ग के लोगों को हमने तवज्जो दी है, महिलाओं को भी हमने इसमें स्थान दिया हुआ है और सभी लोगों ने एकजुटता का यहाँ पे दिखाया कि हम एकजुट होके जो है वो काम करेंगे, नेताओं के साथ एकजुट होके काम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हमारी एक कार्यकारिणी बनी, मेरी पूरी जिला बिलासपुर में जितनी भी हमारी टीम बनी बहुत सक्षम है, बहुत मेहनती है, बहुत काम करने के योग्य हैं और मुझे विश्वास है कि हम चारों की चारों सीटें जो हैं कांग्रेस की लाएंगे और पक्का कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं प्रदेश के अध्यक्ष माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारी इस कार्यकारिणी को अप्रूवल दी और मुझे जिला बिलासपुर की अध्यक्षा बनाया। एक महिला को उन्होंने बहुत अच्छा मान और सम्मान दिया, महिला को एक इस पोस्ट पे बैठा के एक तवज्जो दी है, इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करूंगी। कि हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार जो बीजेपी की सरकार जो बैठी हुई है ये महंगाई को कम करे। लोगों जो है वो इतने त्रस्त हैं और इतने दुखी हैं महंगाई से कि लोग जो है वो अपना पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। हमारा यही है कि इस महंगाई को कम करें। बार बार कांग्रेस पार्टी जो है इसकी मांग कर रही है कि इस महंगाई को, इतनी जो चरम सीमा पे पहुंची है, इस महंगाई को कम किया जाए।